बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और आज अपडेट में आपको करूंगा जो एशिया कप होने वाला है, जो कि अब तक पाकिस्तान में शुरू है, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान ऐसे है कि एशिया कप में जो मेज़बानी है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत मिलती है। तो पाकिस्तान का इस मरतबा हक है और पाकिस्तान ज़ोरों शोर से इसकी कोशिश भी कर रहा है कि एशिया कप का कोई फ़ैसला हो जाए। क्या रुकावट है एशिया कप के पाकिस्तान में होने में, वो है भारत। भारतीय टीम ये नहीं चाहती या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता अब तक कि वो पाकिस्तान आए और खेले, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के आपको मालूम है जो मसाइल हैं, जो आपस में ताल्लुकात हैं, वो इस नहज पर नहीं है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इजाज़त नहीं देता। हालांकि पाकिस्तान जाके खेलने को तैयार है। वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में होगा 50 ओवर का, उसके हवाले से पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा था कि एशिया कप पर आप आएँ तो हम जाएँगे वरना नहीं। तो ये सूरत हाल भी एक जगह खड़ी है। अब एशिया कप के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी है एक दो रोज़ में, 24 तारीख को मीटिंग है दुबई में। उसके लिए नज़म सेठी साहब वहाँ मौजूद हैं दुबई में, सलमान नसीर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी वहाँ मौजूद हैं। और कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान मेज़बानी का जो अपना हक है उसको बरकरार रखे और भारत को ये तंबीह की जाए, भारत को ये कहा जाए कि वो आएँ और खेलें। लेकिन अगर भारत नहीं आता तो क्या होगा, सूरत हाल ये है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेज़बानी ताहाल अभी तक पाकिस्तान को कंफर्मेशन नहीं मिली है कि पाकिस्तान में होगी, बिकॉज ऑफ इंडियाज़ रिफ्यूज़ल टू कम टू पाकिस्तान। अगर ये बरकरार रहती है बात, तो दो वेन्यूज़ ऐसे हैं जो अल्टरनेट वेन्यू के तौर पर तो बातचीत जिनकी हो रही है और जिनका हतमी फैसला होगा उस मीटिंग में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की है, वो है UAE यानी अरब इमारात या फिर श्रीलंका। ये दो वो ऐसे वेन्यूज़ हैं कि एशिया कप वहाँ पर मुंतकिल हो सकता है। एंड आई थिंक श्रीलंका शायद ज़्यादा वज़न रखता है इस बात पे कि श्रीलंका में हो जाए, क्योंकि श्रीलंका के हालात जैसे थे, बहुत सारी बातें हैं। श्रीलंका आने पर राज़ी भी होगा भारत, UAE भी खेलने पर राज़ी हो जाएगा भारत। तो ये भारत और पाकिस्तान का जो मामला है इसकी वजह से ये मसला रुका हुआ है। और दूसरी बात, ICC का जो वर्ल्ड कप है वो भी ICC मीटिंग में पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ रखना है कि भाई अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी शायद ना जाए। पाकिस्तान ये बात रखेगा, लेकिन इसमें हतमी फैसला होने में अभी काफ़ी देर है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इलेक्शंस का भी दौर चल रहा है। उस ज़माने में इलेक्शंस भी हों, फिर क्रिकेट बोर्ड की सरबराही किसके पास आती है, ये भी एक सोचने वाला मरहला है। लेकिन अभी एज वी स्पीक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी है और उसमें यह तय होगा कि कौन मेज़बानी करेगा। भारतीय टीम नहीं आना चाहती, अभी तक उनका स्टांस यही है और उनका हमेशा से स्टांस यही है। पाकिस्तान भी गया है भारत और भारत भी पाकिस्तान आया है, लेकिन वो हालात ऐसे हो जाते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कि ये मामला अटक जाता है। तो अभी एज वी स्पीक UAE और श्रीलंका कुड बी दी अल्टरनेट वेन्यूज़ फॉर दी एशिया कप। और उसके अलावा वर्ल्ड कप तो भारत में होगा, उसमें पाकिस्तान कैसे मना तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जाएगा ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान ने खेल को सियासत से अलग रखा है और पाकिस्तान हमेशा जाता रहा है भारत। 2016 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, आखिरी मोमेंट पे फैसला हुआ था, लेकिन चौधरी निसार अली खान उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान भारत जाएगा और पाकिस्तान भारत गया भी था। तो पाकिस्तान अब भी जाएगा मुझे लगता है ये, और इसका मैं काफ़ी हद तक मैं तो श्योर हूँ कि पाकिस्तान तो जाएगा, लेकिन भारत के आने के इम्कान कम हैं, इसलिए एशिया कप शायद शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान से UAE या श्रीलंका। गुड लक टू यू ऑल। फ्री टॉक आप देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको पसंद आता है तो। खुदा हाफिज़।